हेलो डियर पेरेंट्स, मैं मोहित चौधरी स्वागत करते हैं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, काफी समय से इंतजार था, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के फॉर्म कब आएंगे। तो अभी मिलिट्री स्कूल के फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है, जो कि वेबसाइट पे दिखाई दे रहा था कि 3 सेप्टेम्बर या 4 सेप्टेम्बर के आसपास ओपन होगा। वो 18 सेप्टेम्बर यानी कि कल ओपन हो चुका है लिंक। तो उससे इम्पोर्टेंट क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या करने के लिए, और तो मैं आपको यहां पे पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने जो प्रोस्पेक्टस जारी किया है सेशन 2024-25 के लिए, क्लास 6 और 9 के लिए, ये 5 मिलिट्री स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में। 2 राजस्थान में है, अजमेर और धौलपुर, 2 कर्नाटका, बेंगलोर और बेलगांव, और 1 आपका हिमाचल प्रदेश में है, चैल। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट से। बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो में। तो एडमिशन जो हैं आप लोगों के ऑनलाइन जो स्टार्ट हो गए हैं 18 सितंबर से, लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। ठीक है, और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की अभी कोई भी जानकारी नहीं है। जहाँ तक है दिसंबर में ये कंडक्ट होगा इंटरव्यू। तो आप लोगों को ये जानकारी एसएमएस या ईमेल द्वारा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा, उस पर आ जाएगी। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रिजर्वेशंस की, तो रिजर्वेशन क्या होता है, 70% सीट जो रिजर्व होती हैं वो जेसी और ओआर रैंक के आर्मी नेवी और एयरफोर्स, जो आर्म जो आपके डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए 70% सीट रिजर्व हैं। 30% सीट रिजर्व हैं आपके सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर जो भी नेवी और सिविलियंस होते हैं। ठीक है, सिविलियंस के लिए 27, 15 और 7.5% सीट जो हैं वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए, एससी का 15% और एसटी का 7.5% कोटा है। ठीक है, टोटल 50 सीट्स, नॉट मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल, किसी भी स्कूल में 15 से ज़्यादा नहीं होंगी, आर इमार्क फॉर द वार्ड ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्शन, जो बंदे शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए टोटल 50 सीट रिजर्व होती हैं 5 स्कूलों के अंदर। 10% सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम 5 आरएमएस विल बी रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट इन क्लास 6 ओनली। तो देखिए टोटल 30 सीट्स हैं, मान के चलिए 6 सीट समथिंग एक स्कूल में है। ठीक है, और जो अभी गर्ल्स के लिए सीटें ओपन हुई हैं तो ईच स्कूल में 6 सीटों के समथिंग गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है। ये वाला रिजर्वेशन पहले वाले से अलग रहेगा गर्ल्स का। ठीक है, बात करें हम लोग एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप का बहुत ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात करें क्लास 6 की, क्लास 6 में बॉयज़ और गर्ल्स का जो एज है वो 10 to 12 ईयर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्लास 6 में 10 से 12 साल एज ग्रुप होना चाहिए, जो कि 31 मार्च 2024 से। कितने के बीच में एज ग्रुप चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में जिन बच्चों की एज आती है, ये दोनों डेट इंक्लूडिंग है, 1 अप्रैल भी और 31 मार्च भी, तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और बात करें हम क्लास 9 की, तो उसके लिए एज ग्रुप चाहिए आपका 13 से 15 साल, जिसमें 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में एज का क्या चाहिए, एज होनी चाहिए आपके बच्चे की। तो 13 से 15 साल रहेगी क्लास 9th के लिए, और 6th क्लास के लिए रहेगी 10 से 12 साल। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है एडमिशन टेस्ट के लिए। एडमिशन टेस्ट के लिए ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें क्लास 6 में 4 सेक्शन रहेंगे। एक फर्स्ट रहेगा इंग्लिश का पार्ट, जो कि 50 मार्क्स का होता है, और उसमें मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, तो 35% मार्क्स, ये आपका मार्क्स जो है टोटल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा, ये पासिंग सब्जेक्ट है, तो आपको
20 मार्क्स लेकर के बच्चे को अपनी सीट रिज़र्व करनी है। आगे की कॉपियाँ जो आपकी चेक होंगी, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है और आपका इंटेलिजेंसी है, सिर्फ इन्हीं तीन सब्जेक्टों के नंबर जुड़ेंगे, इंग्लिश के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। ये ओनली पासिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके बाकी के तीन सब्जेक्ट भी 50-50 मार्क्स के रहेंगे, जी के भी 50 मार्क्स। मिनिमम क्राइटेरिया 40% आपको ईच सेक्शन में लाना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी है। बात करें क्लास नाइन्थ की, तो क्लास नाइन्थ में दो पेपर होंगे, दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इंग्लिश का जो रहेगा सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा, हिंदी 20 मार्क्स और सोशल साइंस 30 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स हैं और मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। पेपर टू में मैथ होगा और साइंस होगा, 50-50 मार्क्स के दोनों होंगे, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें भी 50 मार्क्स ला के आना जरूरी है। तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा ये भी, और यहाँ पे भी 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 150 नंबर में से बनेगा। होगी जो 50 नंबर की इंग्लिश है उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे इंटरव्यू 20 मार्क्स का है और क्लास नाइन्थ में इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, ठीक है। बात करें सिलेबस की, तो रिटन टेस्ट विल बी जनरली क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड फोर क्लास सिक्स एंड क्लास एट्थ स्टैंडर्ड फोर क्लास नाइन। तो जो क्लास सिक्स के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें क्लास फिफ्थ तक का सिलेबस ऐड करेंगे ये लोग, और जो क्लास नाइन्थ के लिए क्लास एट्थ तक का सिलेबस होगा। स्कूल फीस एंड क्वेश्चंस मनी। देखिए, जो ओआर और जो डिफेंस पर्सन वाले बच्चे होते हैं उनकी ट्यूशन फीस है टोटल 12,000 रुपये, और उनका पॉकेट मनी टाइप है कितना रुपये, 1200 रुपये। JCO और देयर इक्विवेलेंट इन द नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, इनकी जो फीस रहेगी वो 18,000 रुपये है। सर्विसिंग ऑफर्स ऑल थ्री फोर्सेस इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनके लिए जो फीस रहेगी वो 32,000 रुपये है, और सिविलियंस की फीस 51,000 रुपीज़ है। 51,000 रुपीज़ जिस तरीके से मिलिट्री स्कूल में सुख सुविधाएं हैं बच्चे को लेकर के, उसके हिसाब से ज़्यादा ये फीस नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल आते हैं तो सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट ही पे करती है। बात करें मिलिट्री स्कूल में शेड्यूल क्या रहता है, शेड्यूल रहेगा बच्चे को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में फिजिकल ट्रेनिंग रहती है, 7:30 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट, 8:30 से 8:50 में मॉर्निंग असेंबली, 8:50 से 1:30 एकेडमिक क्लासेस, 1:45 से 2:15 लंच, देन उसके बाद उसका रेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 4 से 5:30 गेम्स का रहेगा, 6 से 8 PM इवनिंग प्रेप, 8 से 9:30 डिनर, एंड 9:30 से 10:30 सेल्फ स्टडी, और 10:45 पे बच्चे की लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाउस सिस्टम है, मेडिकल है, ये सारा प्रोस्पेक्टस आप हमें लेने के लिए हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सारी की सारी चीज़ें रहेंगी कि एडमिशन टाइम पे आपको क्या क्या किट्स और क्लोथिंग बच्चे के लिए लेके देना है। ये पूरा 30 पेज का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें आपके आपको ये केयरफुली रीड करना है, जो भी सेल्फ फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपको पूरा रीड करना है कि हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे है और उसके कोड क्या है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल भी यहाँ पे देख करके फॉर्म में भर सकते हैं। ये सारे स्कूल्स का बारे में बायोडाटा है, 5 के 5 स्कूल अजमेर, उसका अबाउट क्या है, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी मिलिट्री स्कूल से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो थी, और जल्दी ही हम एक डेमो फॉर्म अपने वेबसाइट अपने यूट्यूब चैनल पर भर के दिखाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।